आइए आज मैं आपको हैरान करने वाली बात बताता हूँ। जिस जोंक को आप पानी में तैरते हुए या जंगलों में चढ़ते फिरते हुए देखते हैं, उसके एक दो नहीं बल्कि 32 दिमाग होते हैं। वही जो इंसान अपने आप को सबसे ताकत और होशियार कहता है, उसके सिर्फ एक दिमाग होते हैं जिसे वो जमीन पर बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहा है। लेकिन इस छोटी सी मखलूक को खुदा ने कैसे डिजाइन किया है कि इसके 32 दिमाग पाए जाते हैं। कुदरत ने इसके अंदर बहुत सी खूबी दे रखी है। इस जानदार के जरिए इंसान के अंदर के बहुत सी बीमारियों का भी इलाज किया जाता है। दरअसल जोंक का जिस्म अंदरूनी तौर पर 32 हिस्सों में बटा हुआ होता है और हर हिस्से का अपना एक अलग दिमाग होता है। जोंक अगर काट ले तो ये नुकसान नहीं देता बल्कि ये एक हद तक फायदा ही देता है। अगर आपके जिस्म में कहीं इन्फेक्शन है तो ये उसको आसानी से ठीक कर सकती है। इसका तरीका यह है कि आप इसको इन्फेक्शन वाली जगह पर रख दें। यह जहरीले खून को चूस लेती है और इंसान की जान बचा लेती है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसके मुंह के अंदर एक दो नहीं बल्कि 300 दांत पाए जाते हैं। एक जोंक लगभग साल भर तक जिंदा रहता है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ज़्यादातर बीमारी खून के ज़्यादती या उसमें मौजूद गंदगी की वजह से होती है। इसलिए आमतौर पर जोंकों को जिस्म के गंदे और बेकार खून को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2004 में अमेरिका ने भी इस तरह के इलाज को मंजूरी दे दी। वहीं हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में इस तरह के इलाज किए जाते हैं। इस तरह के इलाज में 2 से 4 जोंकों को जिस्म पर लगाया जाता है। वो जब तक बेकार खून को चूस न ले जिस्म में लिपटे हुए होते हैं। 25 से 30 मिनट के बाद वो खुद ब खुद ही गिर जाते हैं। काम ख़त्म होने के बाद जोंक को मार दिया जाता है। जोंक थेरेपी की तारीख तकरीबन 1000 साल पुरानी है। मिस्र के लोगों ने भी इस तरह के इलाज तकरीबन 3500 साल कबल मसीह में किया था। पुराने ज़माने में जोंक थेरेपी का इस्तेमाल सर दर्द से लेकर कान दर्द तक, बवासीर से लेकर हर चीज़ के इलाज में इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा मॉडर्न साइंस भी बहुत से इलाजों के लिए जोंक थेरेपी की जानिब पड़ रही है। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और बेहतरीन वीडियो के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।